कितना पैसे लेके उनको यहाँ सिंहासन पे बिठाया है। इंचार्ज मिनिस्टर के पास गल्ला चोर है पर्सनल सेक्रेटरी, अब ये चावल चोर भी शामिल हुआ है, हिंदू विरोधी है सिद्धरामैया जी। मणिकंठ को इस चावल जो लूटी हुआ है उसको संबंध नहीं है, सीएम सिद्धरामैया अपना पदवी को राजीनामा देना चाहिए। देखो पिछले साल दिसंबर में शाहपुर गवर्नमेंट गोडन में जो अन्नभाग्य का चावल रखा हुआ था उसमें 6677 क्विंटल, ये आंकड़ा भी बहुत अच्छा है, 6677 इतना क्विंटल वहाँ से चोरी हुआ है। ये चोरी सिर्फ एक सादा सीधा चोर नहीं कर सकते, वो सवाल था, लेकिन आज इंक्वायरी पूरा हो गया है। शाहपुर का पुलिस ने इंक्वायरी करके चार्जशीट कोर्ट को सबमिट किया है, दुरंत है वो चार्जशीट में। 14 नंबर आरोपी भीमराय मार्कंडेय बोल के है, वो डिप्टी डायरेक्टर फूड सप्लाई डिपार्टमेंट यादगिरी उन्होंने शामिल है। मैं यहाँ की मिनिस्टर को पूछना चाहता हूँ, इस चोर में जो शामिल हुआ था वो अधिकारी को इधर आके बिठाया है आप, कौन सिफारिश दिया, कितना पैसे लेके उनको यहाँ सिंहासन पे बिठाया है, वो बहिरंग होना चाहिए। इधर इंचार्ज मिनिस्टर के पास गल्ला चोर है पर्सनल सेक्रेटरी, अब ये चावल चोर भी शामिल हुआ है। इन लोगों को 6 गारंटी जेल को भेजना कब, ये भीमराय मार्कंडे को कब जेल को भेजते हैं आप, क्या रक्षा करते हैं आप। मणिकंठ को इस चावल जो लूटी हुआ है उसको संबंध नहीं है, फिर भी दुरुद्देश से उनके खिलाफ केस दर्ज करके 60 दिन से जेल को भेजा हुआ है। वो कल उनका जामीन हुआ है, वो भी आने वाला है, इसका सभी हकीकत आपके सामने रखने वाला है। मैं यहाँ का मिनिस्टर को पूछना चाहता हूँ, ये चावल चोर जो डिप्टी कमिश्नर था अभी जॉइंट डायरेक्टर है, उनको जेल को भेजना चाहिए, हमारा ये आग्रह है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का जजमेंट हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं? देखो चोर चोरी होता है, चोर छुपाने को नहीं होता है, इसलिए सिद्धरामैया जी यहाँ के सीएम, आज अंतिम आदेश आया है हाईकोर्ट से, जो राज्यपाल प्रोसिक्यूशन को परमिशन दिया था वही सही है बोल के हाईकोर्ट न्यायाधीश ने ऑर्डर दिया है। मैं सीएम सिद्धरामैया को और कांग्रेस सरकार को बताना चाहता हूँ, तुरंत सीएम सिद्धरामैया सर अपना चेयर को, अपना पदवी को राजीनामा देना चाहिए, राजीनामा देकर इंक्वायरी फेस करना चाहिए, नहीं तो इस देश का लोग, इस देश का नागरिक आपको क्षमा नहीं करता है बोल के हम आग्रह करता है श्रीराम तेनस के, श्री हिंदू विरोधी है सिद्धरामैया जी। 2013 में वो सीएम बना, 2013 से 2018 तक पूरे हिंदू विरोधी काम किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, केसरी नहीं पहना और कुमकुम नहीं लगाया। अब उनके ऊपर जब आरोप आया, आरोप से पार होने के लिए ये सीधा हनुमान मंदिर को गया, मंडे के पास एक हनुमान मंदिर को, करणामा है ऐसी पाप तन मनदल्ली इट्टुकोंडु काशीगे होदरे एनादो, भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के से पार होने के लिए भगवान के पास गया, भगवान ने आशीर्वाद दिया है तुम फेस करो बोल के, इसीलिए सिद्धरामैया जी ने उनका स्थान को राजीनामा देना बोल के हम ऑर्डर करते हैं।